तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एम स्कूल के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और इस वीडियो में आप लोगों के साथ जनवरी 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा कोई भी पास्ट पेपर या जॉब के रिलेटेड अलर्ट या 2020 और 21 के करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें, वहाँ पर तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एम सी क्यू, व्हाट वाज द एज ऑफ पेशेंट दैट हैड अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है कि उस पेशेंट की क्या उम्र थी जिसका अभी रिसेंटली सर्जरी के साथ पिग हार्ट लगाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 53, 57 या 61 या 64। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 57 और उनका नाम था डेविड बेनेट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मैन सिंगल टाइटल वन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है डैनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर स्टीफेनोस या राफेल नडाल। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मैन सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वोमेन सिंगल टाइटल वन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है डी कोलिन, ए बार्ट्री, अना डनेला या बी क्रेजकोवा। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, ए बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का वोमेन सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट है विच पाकिस्तानी बॉक्सर वॉन अरेबियन सी चैंपियनशिप टाइटल। फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद वसीम, आसिफ डार, मेहरुल्ला लसी या मुजफ्फर खान। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, मुजफ्फर खान ने जो अरेबियन सी चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉग्ड अनवील्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, चाइना, नेदरलैंड या जर्मनी। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, नेदरलैंड में जो रिसेंटली अभी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल उसको इफ्तिताह किया है, जो ओपन किया गया है। नेक्स्ट है रशियन पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय मोर देन डैश मिलियन पीपल इन 2021। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 मिलियन, 1 मिलियन या 1.6 मिलियन या 2 मिलियन। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, 2 मिलियन जो डिक्लाइन हुआ है 2021 में रशियन पीपल पॉपुलेशन जो थी। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून पब्लिश ऑन। जो एविडेंस मिला है वाटर का मून के ऊपर उसको कब स्टडी किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022 या 6 जनवरी या 8 जनवरी 2022 को। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, 8 जनवरी 2022 को इनकी जो एविडेंस मिला था पानी का उसको स्टडी किया था। नेक्स्ट है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन 2021 वाज। जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर रहा है वो 2021 में क्या रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 और 2.2, 2 और 2.5 या 2 और 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो एवरेज टेम्परेचर रहा है। नेक्स्ट है आईसीसी मैन 2021 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज। फर्स्ट ऑप्शन है बाबर आजम, विराट कोहली, के एल राहुल या बेन स्टोक्स। करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, बाबर आजम है जो आईसीसी 2021 के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है हु इज द आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। फर्स्ट ऑप्शन है बाबर आजम, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ या जय रूट। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, जय रूट आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 रहे हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान रैंक एट विच प्लेस इन द लिस्ट ऑफ करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2021। 2021 में पाकिस्तान करप्शन की कंट्रीज में कौन से नंबर पर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है 128, 130, 140 या 143। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, 140 नंबर पर रहा है और इसके अलावा जो इंडिया है वो सबसे एंड पे रहा है करप्शन की लिस्ट में, जो कंट्रीज की लिस्ट आई है 2021 में। नेक्स्ट है विच कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। इसका मतलब है कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को? पहला ऑप्शन है एप्पल, मेटा जिसको फेसबुक भी कहते हैं या इंटेल या सैमसंग। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, मेटा फेसबुक जो है वो लॉन्च करने वाली है और ये 24 जनवरी 2022 को लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट है चाइनीज ओलंपिक विल बी बिगेन फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है 28 जनवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी 2022। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, 4 फरवरी 2022 को ये बीजिंग में होने वाला है जो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेगा। नेक्स्ट है हु इज नेम्ड एज आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2021। फर्स्ट ऑप्शन है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा या डेविड वार्नर। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद रिजवान जो है आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 रहे हैं।
नेक्स्ट है जस्टिस ऐशा मलिक बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ डैश ऑफ पाकिस्तान। जो जस्टिस ऐशा मलिक हैं वो पहली वुमेन जज हैं किस चीज़ की है। फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल शरीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या नन ऑफ द अबव। और एक जवाब है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान की, ये पहली वुमेन जज हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द नेम ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो पहला न्यू कैपिटल बने उसका क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू जकार्ता, नुसेंट्रा, या पेनेजम, या नवदील। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी न्यू सांट्रा, इसका जो न्यू कैपिटल है उसका नाम है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ILO ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट टू रीच 10 मिलियन इन 2022। जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगार लोगों का दुनिया में कितने तक पहुंच गए हैं 2022 में। फर्स्ट ऑप्शन है 190 मिलियन, या 207 मिलियन, या 270 मिलियन, या 310 मिलियन। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 207 मिलियन जो बेरोजगार हैं वो पहुंच गए हैं 2022 तक। नेक्स्ट है हु बिकम द यंगेस्ट वोमेन टू फ्लाई अ सोलो अराउंड द वर्ल्ड। कौन सी यंगेस्ट वोमेन है जिसने सोलो फ्लाइट के जरिए पूरी दुनिया के चक्कर लगाया। फर्स्ट ऑप्शन है अमीला, या ज़ारा रदरफोर्ड, या फ्रेडरिक मॉक्स, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी ज़ारा रदरफोर्ड ने ये 51,000 किलोमीटर का सफ़र करके और ये 52 जो नेशन है उनके ऊपर से फ्लाइट करके ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है सेंट्रानियो डेले फ्यूकेंटी, उन्होंने कहा है कि टू द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन डाइड एट 112 ही वाज फ्रॉम। 112 की उम्र में जो एक फौत हुआ है वो कौन सी कंट्री से था जिसको वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, स्पेन, रशिया, या इंडिया। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी स्पेन का ये था जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन था। नेक्स्ट है नेम द लेडी हु बिकम पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर। फर्स्ट ऑप्शन है रूबीना सईद, शिजा गुल, कौसर नाज, या सारा गिल। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। नेक्स्ट है हु इज गोइंग टू बाय वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड इन $68.7 बिलियन। कौन सी कंपनी है जो वीडियो गेम कंपनी को खरीदने जा रही है जिसका नाम है एक्टिविजन ब्लिजर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, या गूगल। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका लॉन्च फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सेटेलाइट ऑन। साउथ अफ्रीका लॉन्च करने वाली है पहली जो अफ्रीका सेटेलाइट है वो कब करने वाली है। फर्स्ट ऑप्शन है 12 जनवरी 2022, 13 जनवरी 2022, या 14 जनवरी या 15 जनवरी 2022। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 13 जनवरी 2022 को जो पहली अफ्रीका की बनी हुई सेटेलाइट लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वार टू एयरक्राफ्ट फाउंड आफ्टर 77 ईयर्स इन। 2000 जो वर्ल्ड वार टू हुई थी उनका एयरक्राफ्ट दरियाफ्त हुआ है तकरीबन 77 साल के बाद कौन सी एरिया में। फर्स्ट ऑप्शन है रिवाली, हिमालयास, या वेस्टर्न गाइट्स, या स्टेपरा रेंज। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी जो मिसिंग था वो हिमालय में आइडेंटिफाई हुआ है और इंडिया में पाया गया है जो दरियाफ्त है तकरीबन 80 साल के बाद। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट एवर डिजिटल सिटी लॉन्च इन। फर्स्ट ऑप्शन है रावलपिंडी, हरिपुर, पिशावर, या लाहौर। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हरिपुर को जो फर्स्ट एवर डिजिटल सिटी लॉन्च किया जा रहा है जिसमें JKPK की गवर्नमेंट कर रही है और IT इंडस्ट्री जो है एक जगह पे इकट्ठी कर रही है। नेक्स्ट है व्हेन PM इमरान खान लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 जनवरी, 13 जनवरी, या 14 जनवरी, या 15 जनवरी 2022। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी 14 जनवरी 2022 को इमरान खान जो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इन्वायरमेंटल लेबॉरेटरी इन बलोचिस्तान विल बी सेट अप इन। फर्स्ट ऑप्शन है ज़ियारत, यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान, या लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मेरीन साइंसेस, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मेरीन साइंसेस जो फर्स्ट इन्वायरमेंटल लेबॉरेटरी बलोचिस्तान में सेटअप होने जा रही है। नेक्स्ट है विच कंट्री डिटेक्ट्स न्यू कोविड वेरियंट नेम डेल्टा क्रोन। फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, साइप्रस, टर्की, या USA। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी साइप्रस में ये न्यू वेरिएंट जो कोविड की लहर में
नाम आया है जिसका डेल्टा क्रोन है वो डिटेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है विच पाकिस्तानी बैंक विन ग्लोबल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। फर्स्ट ऑप्शन है अलाइड इतबार इस्लामिक बैंक, या बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, या मिजान बैंक लिमिटेड, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये विन किया जो ग्लोबल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। नेक्स्ट है अली खान समीलोव अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान या अफगानिस्तान। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान के ये न्यू प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है अली खान समीलोव। नेक्स्ट है एटीपी कप टेनिस 2022 वाज वन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, यूके या कनाडा। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा ने ये वन किया है और स्पेन को फाइनल में हरा के 2-0 से एटीपी कप टेनिस 2022 खुद जीता है। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2021। कौन सा एयरपोर्ट है जिसको ऑन टाइम परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है 2021 का। फर्स्ट ऑप्शन है फुकुओका एयरपोर्ट जापान, या मियामी एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट, या हनीदा एयरपोर्ट या चेन्नई एयरपोर्ट इंडिया। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, मियामी एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट को ये ग्लोबल लिस्ट में जो अवार्ड मिला है ऑन टाइम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू फीचर ऑन यूएस क्वाइंस। फर्स्ट ऑप्शन है पोएट निकी गिवानी, या अलाइस वालकर, या माया एंजेलोस, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, जो पोएट माया एंजेलोस हैं उनका जो फीचर्स आए यूएस क्वाइन पे ये पहली ब्लैक वुमेन है। नेक्स्ट है वेयर फर्स्ट टाइम अ पिग हार्ट हैज बीन इम्प्लांटेड इन अ ह्यूमन। किस कंट्री में ये जो पिग का हार्ट लगाया गया, इम्प्लांट किया गया, वो किस कंट्री में लिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है यूके, यूएसए, इंडिया या चाइना। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, जो यूएसए में, और डॉक्टर मंसूर मोहिद्दीन जो पाकिस्तानी डॉक्टर थे उन्होंने ये जो सर्जरी परफॉर्म की थी। नेक्स्ट है रिसेंटली हु टेक चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। फर्स्ट ऑप्शन है विलम दीर, या इकलमुद्दीन, या जेंग मिंग, या हुसैन ब्राहिम ताहा। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, जेंग मिंग ने ये रिसेंटली चार्ज लिया सिक्योरिटी जनरल ऑफ एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है फर्स्ट इस्लामाबाद इस्तांबुल ट्रेन रीच टर्की ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी 2022। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2022 को ये पहली जो इस्तांबुल इस्लामाबाद से इस्तांबुल ट्रेन रीच की है। नेक्स्ट है पाकिस्तान बाय हाउ मेनी चाइना मेड J-10C फाइटर जेट्स। फर्स्ट ऑप्शन है 15, 20, 23 या 25। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, 25 जो J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान खरीदने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बता देंगे किस तरह की लगी और किस तरह की आपको मालूमात चाहिए। उसके अलावा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ और प्रिपरेशन होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा और आपका रابطہ बरकरार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।